तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। ये जो पूरे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे ये सब पिछले साल पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं और क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि आप खुद ही देख लीजिए, पहले यहाँ पर एक नंबर, एक्सप्लेन एनी फोर ऑफ द फ्लाइंग स्टैंडर्ड्स विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब मैं आप लोगों को पहले समझा दूँ। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि नीचे जो भी आप लोगों को पैराग्राफ, जो भी आप लोगों के पद दिए गए हैं, पद, ठीक है, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है पद, उनकी आप लोगों को रेफरेंस लिखना है, यानी कि रेफरेंस लिखना है, यानी कि संदर्भ और कॉन्टेस्ट आप लोगों को उसके बिहाफ पे उसके बारे में बताना है, किसका क्या व्याख्या होगी, रेफरेंस क्या होगा, और डिटेल में आप लोगों को बताना है। आप लोगों को इसमें कई ऑप्शन मिलेंगे, तो आप लोगों को पहले संदर्भ लिखना है यानी कि रेफरेंस, ठीक है, उसके बाद कॉन्टेस्ट लिखना है और उसके बाद उसकी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है, यानी कि व्याख्या करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को कई ऑप्शन मिलेंगे, इसमें लिखा है फोर, यानी कि चार आप लोगों को पद दिए गए हैं, चार पद में से आप लोगों को, यानी कि पद तो कई हैं लेकिन चार इसमें से करने। तो पहले हम आपको दिखा देते कितने हैं। तो नंबर एक आप ये देख लीजिए, नंबर दो ये, ठीक है, नंबर तीन ये है, नंबर चार ये है, नंबर पाँच ये है, ठीक है। तो कुल मिला के पाँच इसमें ऑप्शन है जिसमें से चार के आपको आंसर देना है, ठीक है। तो जो आप लोगों को लगे कि हाँ इसके बारे में मुझे नॉलेज है, इसके बारे में मुझे डिटेल में पता है, तो उसके बारे में आप डिटेल में लिखिएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रेफरेंस, पहले सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना होगा, ठीक है, हेडिंग डाल के रेफरेंस, यानी कि संदर्भ, उसके बाद कॉन्टेस्ट, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेनेशन। तो एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन जो आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेंगे, तो पहले आपको रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में क्या लिखना है, रेफरेंस मैं आपको बता दूं, रेफरेंस सबका नॉर्मली होता है, जो राइटर होता है और उसका जो ऐसे होता है, यानी कि जो भी जिस जहाँ से भी लिया गया है, जिस लेसन से, उसका नाम डिफरेंट होता है बस। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को रेफरेंस में ये लिखना है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द एसे ऑफ, जिससे भी लिया गया है, जिस लेसन से भी, जैसे कि स्टोरीज, ठीक है, और रिटन बाई, फिर लिखना है स्टोरीज, उसके बाद रिटन बाई जो भी हो, रिटन बाई फ्रैंकेंसेंस बोकोन, ठीक है। तो मैं तो ऐसा एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन जो भी राइटर होगा उसका आप लोगों को लिखना है कि रिटन बाई, और इससे आप सिलेक्टेड जिस भी एसे का है या जिस भी लेसन से है, ठीक है। तो लेकिन जो शुरू की लाइन है यही लिखनी है, दीज लाइन हैव बीन सिलेक्टेड या टेकन फ्रॉम दी एसे रिटन बाई दिस, ठीक है। तो ये लिखना है आपको, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन वो लिखना है, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट में यही होता है कि आप लोगों को वही आप समझ लाइए कि प्रसंग जैसे कि, ठीक है। तो प्रसंग में आप लोगों को ये बताना है कि इसके बारे में जो भी पैराग्राफ है, इसके बारे में मेन उद्देश्य इस पैराग्राफ का क्या है, इसके बारे में क्या, किसके बारे में विचार किया गया है, ठीक है। तो उसी को आपको आपके कॉन्टेस्ट में लिखना है, ठीक है। पहला आप लोगों का रेफरेंस होगा आर, उसके बाद कौन, उसके बाद एक्सप्लेन, ठीक है। तो उसके बाद एक्सप्लेन आप लोगों को करना होगा, इसके पूरी डिटेल में बताना होगा, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, चौथा, पांच है इसमें से चार करना है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाएंगे, यानी कि एक जो है वो पांच नंबर का है। तो ऐसे करेंगे तो आई होप आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, जिस वीडियो में जो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सारी चीज़ जो बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में आएगी, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक नंबर क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दो नंबर है, इसमें लिखा है जस्टिफाई द रेवलेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द टाइगर्स आइज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, इसमें डिटेल में आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं 15 नंबर का है, यानी 15 नंबर के तो कम से कम दो पेज तो आप लोगों को लिखने होंगे, दो से ढाई पेज, ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अथवा करके दूसरा भी क्वेश्चन है, चाहे आप ये करिएगा चाहे ये करिएगा, एक करिएगा, ठीक है, ये में से जो आपको आ रहा हो, ड्रा द करेक्टर स्केच फ्रॉम द टाइगर्स आई। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहला वाला ही आप करें, क्योंकि इसमें आप लोगों को बताना क्या है, ठीक है, शीर्षक के, यानी कि आप लोगों को इसमें बताना है कि जस्टिफाई द रेवलेंस ऑफ द टाइटल,
टाइटल शीर्षक के टाइगर की आंखों का जो वो है ना, एक्सप्लेन करना है इसी के बारे में, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि शीर्षक के प्रासंगिकता को टाइगर यानी कि बाघ की आंखों क्या ठहराती हैं, ठीक है, उसी के बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम ही होगा सेंट्रल आइडिया के बारे में ही, जो कि पोएम होती है उसके बारे में आप लोगों को, जो सबसे पहले पोएम होती है सबसे पहले आप लोगों को सेंट्रल आइडिया मिलता है, उसके बाद नीचे पोएम रहती है। लेसन में आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को पहले सेंट्रल आइडिया देखने को मिलता है, तो आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। ये 15 नंबर का है, कम से कम आप अच्छे से लिखिएगा, इसके नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। अथवा करके दूसरा भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं और करके। इसमें आप लोगों को लिखना है राइट अ क्राइटल अप्रिएशन ऑफ द पोएम वेदर्स। तो चाहे आप ये लिख लीजिएगा, चाहे ये, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को शायद सेंट्रल आइडिया पढ़ के गए होंगे, तो सेंट्रल आइडिया ही सेलेक्ट करिएगा, यानी सेंट्रल आइडिया के बारे में आप उसमें डिटेल में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का है, ये भी 15 नंबर का था और ये भी आप लोगों को 15 ही नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट इज द पोएम अबाउट द सफरिंग एंड पेन ऑफ द पुअर, ठीक है। सब्सटेंस ऑफ द पोएम इन द लाइट ऑफ द सेड स्टेटमेंट, ये भी आप लोगों को 15 नंबर का है, खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा, इसमें भी आप लोगों को 15 नंबर मिलने वाले हैं। अगर ये नहीं आ रहा तो दूसरा क्वेश्चन है राइट द डिटेल्ड नोट ऑन द थीम ऑन द पोएम अ बॉम साइड बाई जुसवाला, ठीक है, जुसावाला। तो ये किसी लेसन का है, उसी में से इस पोएम के बारे में आप लोगों को लिखना है डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सप्लाई द सुटेबल प्रोपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशंस फ्रॉम इन ऑन एट बाई एंड फॉर। ये हमारे सब प्रीपोजिशन है, आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो मालूम ही होगा। तो इन लोगों को क्या करना है, इन सब जितने भी प्रीपोजिशन है, ऑप्शन है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन सब में कौन सा सुटेबल है, यानी कि कौन सा यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, प्रीपोजिशन, वही आप लोगों को इसमें फिल करना है। यानी कि एक क्वेश्चन आप लोगों का, यानी कि एक नंबर जो है वो एक नंबर का होगा, ठीक है। यानी 5 आप कर लेंगे तो 5 नंबर आप लगोगे, ये पक्के हो गए, ठीक है। तो आप सही से अच्छे से फिल करिएगा, जो आपको लगे कि हाँ यहाँ पर ये सुटेबल होगा, यहाँ पर ये यूज ही होगा, तब आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। बहुत ही ये वाला क्वेश्चन तो ईजी है, मान लीजिए तो आप ये कर लेंगे, आई होप, मुझे मालूम है। तो बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन हो सकता है, किसी में 5 कभी कभी चेंज हो जाते हैं, कभी 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी 6 पूछ लिए जाते हैं। बस ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोगों को आई होप आइडिया लग गया होगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या पूछा जाएगा, आपको पूरी आइडिया लग गई होगी, ठीक है। तो आपको कैसी लगी जानकारी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप और भी कुछ इसमें चेंजेस चाहते हैं, और भी कुछ अपडेट चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। क्योंकि मैं इस चैनल पे बीए बीएससी बीकॉम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड करते ही रहता हूँ। अगर बीए इंग्लिश के अलावा अगर और भी मॉडल पेपर आप चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश और समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, संस्कृत, बहुत सारे मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, उन सारी वीडियो देख लीजिए। आई होप आपको एग्ज़ाम में आइडिया लग जाएगा कहाँ एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश का भी कोई मॉडल पेपर सर बताइए, नॉर्मली कुछ बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि ये मॉडल पेपर आप तक प्रोवाइड कर दूँ। फिलहाल इंग्लिश के बारे में मेरा कुछ ज़्यादा मूड नहीं था बनाने का, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट आए थे कि सर हाँ आइडिया तो लग जाए सर किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, बस यही जानकारी देना था, इसलिए वीडियो बनाई। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।